सकती हूँ, ये चाहते हैं कि मैं अपने घर की चिट्ठे खोल दूँ। कितनी बार ऐसा होता है वीडियो बना रहे और मैं इनके बोलने पे बोल जाती हूँ, अरे मम्मा क्या आप बोलिए, जब हम बोल रहे हैं तब आपको नहीं बोलना, और कब बोलना रहता है मुझे समझ में नहीं आता। इन लोगों की माया ये जाने आपके लिए एक और कहानी जो हम दिल से बोलने वाले, कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करने वाले जो किसी ने ना सुनी है। ये बात सबको पता है कि शिवानी ने अपनी पूरी प्रेगनेंसी दिखाई है यूट्यूब पे, ठीक? हमने सब चीजें नहीं दिखाई है। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मुझे पता नहीं था मैं और क्या बनाऊँ, क्या वीडियो करूँ, तो जो रियल टाइम वीडियो थी मैं वो शूट करने लगी, बट काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो हम नहीं दिखाना चाहते थे। और आज मैं अपने प्रेगनेंसी के वो बातें आपको शेयर करना चाहती हूँ। इसका हम पार्ट टू भी बनाएंगे अगर आप नीचे कमेंट्स में लिखोगे। आज हम एक छोटा हिस्सा आपको बताते हैं कि इस रूम पे मेरी डिलीवरी हुई थी, 9 महीने मैंने इस रूम में गुजारा है और बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है इस रूम से। किस्सा आपको बहुत इंपॉर्टेंट सा बताते हैं जो आप लोगों को किसी को नहीं पता होगा। एवरीवन वाज सो हैप्पी कि हम नया घर ले रहे हैं, ये किसी को भी नहीं पता है कैसे वो घर लिया था, कितनी लड़ाइयां हुई थी घर लेने से पहले। मेरी मम्मी, आप लोगों की जो AKA माँ अनीता माँ है, हाँ, इनकी इमेज ना बहुत गलत है इंटरनेट पे, हाँ, सबसे ज्यादा यही लड़े थे उस समय हमारे। मेरी मम्मी का एक ही कहना था, हम ये घर नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, नहीं ये घर नहीं, हम जमीन का घर नहीं बेचेंगे। हम लोग का फाइनेंशियल कंडीशन एकदम अच्छा नहीं था उस समय पे, वी वर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग, मेरे को कोई अर्निंग नहीं होती थी इंटरनेट से। आध्या को मैं नए घर में लेके आना चाहती थी क्योंकि वो घर बहुत पुराना था, मम्मी का बहुत प्यारा था, मेरे उससे बहुत इमोशन जुड़े हुए थे। सॉरी, मुझे अभी भी दुख होता है, मम्मी के अभी भी आंख में आंसू आ जाता है जब मम्मी बताती है। तो बहुत पुराना, तुषार का बचपन वहीं गुजरा था पर वो घर बहुत पुराना हो चुका था और मैं चाहती थी कि हमारा घर थोड़ा सा मॉडर्न हो, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अलग हो। जैसे हर घर में बहुओं का मन होता है कि नई टेक्नोलॉजी वाला घर हो और सासों का मन होता है कि वही पुराने घर पे हम कंटिन्यू करें, ये टसल हम दोनों के बीच में भी हुई थी। बट देखो ऐसा था कि वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेटेजिक रीजंस भी थे उसके पीछे। सबसे बड़ा रीजन था कि वो 2-स्टोरी हमारा घर था, डुप्लेक्स घर था, तो मुझे ना बार बार ऊपर नीचे होना पड़ता था प्रेगनेंसी में। फिर हमने ये सोचा कि आध्या पैदा हो जाएगी, उसके बाद आध्या लेके हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और प्लस मम्मी पापा भी 60+ हो गए थे तो ये लोग के भी घुटने जवाब दे गए। वो एक पॉइंट था जहाँ पे जाके बात थोड़ा सा कन्विंस हुई। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि मम्मी कह रही थी नया घर लेना ले लो बट ये मत बेचो, बट हमारे पास सोर्सेस ऑफ फंड्स ही नहीं थे, पैसा ही नहीं था। हम तो दिल्ली वाली जिंदगी छोड़कर यहाँ आए थे, हम वहाँ सेटल थे, हम वो छोड़कर जब यहाँ पर आए तो इट टेक्स टाइम कोई भी प्रोफेशनल करियर में वापस सेटल होने में। आप लोगों को पता है ना मैं HR में थी, गूगल में थी, उसको छोड़ के मैंने ये वीडियो मेकिंग स्टार्ट की है। उस समय सबसे बड़ा पॉइंट ये था कोविड का टाइम था वो, तो प्रॉपर्टीज बहुत सस्ती बिक रही थी, बिक ही नहीं रही थी क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे। हमने वो घर का सोचा, डेयरिंग की मैंने बोला कि नहीं शिवानी, अगर तेरे को लाइफ में मूव ऑन करना है ना, आगे बढ़ना है, तो तेरे को रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। मम्मी एक बात बताओ, जब तुषार ने बोला गोल्ड बेचना है तो आपको क्या हुआ, आपने कैसे रिएक्ट किया? देखो गोल्ड बेचना भी मेरे लिए तो बहुत वो था, लेकिन पहले तो दुख हुआ पर मैंने अपना दुख दबा कर तुम लोग को बोल दिया बेच दो। मम्मी का सबसे बड़ा स्ट्रगल था क्योंकि उनका घर भी जा रहा था और उनको गोल्ड बहुत पसंद है, जिसमें सेविंग्स करते थे, गोल्ड भी बहुत जा रहा मम्मी था। ऐसी है ना, मैं तुमको मतलब एकदम नीट लैंग्वेज में बताती हूँ कि मम्मी फटे हुए कपड़े पहनती है और वो पैसे सेव करके इयररिंग खरीदती है गोल्ड का। ये ऐसी है मम्मी का। गोल्ड बिका तो फर्स्ट धक्का लगा मम्मी को, सेकंड वो ये घर बेच रही थी, जमीन समेत घर नहीं बेचना था, ये घर हमारा लैंड के साथ था और जो हम जाने का सोच रहे थे वो फ्लैट में जाने का सोच रहे थे। पापा तो पहले दिन से फ्लैट में जाना चाहते थे, मेरे को चाहिए, इनको था कि नहीं जमीन वाला घर शिवानी। बट मैंने तुषार ने किसी तरह कन्विंस किया, तुषार के इसमें मैं बहुत ज़्यादा श्रेय मानूंगी। अक्सर लोग कहते हैं कि लड़की दूसरे घर से आती है तो लड़की को बहुत सहना पड़ता है और लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती हूँ। लड़की जब दूसरे घर से आ रही है ना, बहुत लोग बहुत ध्यान रखते हैं, सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस ना बीच में फंसे लड़के को करना पड़ता है, जिससे लड़की भी एक्सपेक्ट कर रही है और माँ भी एक्सपेक्ट कर रही है। तो हम दोनों के बीच में ना तुषार था जो हम दोनों की बातें एक दूसरे को बता रहा था, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि इतना समझदार हस्बैंड है मेरा जिसने ये रिलेशन जोड़ा, इसको तोड़ा नहीं इसने। सबसे बड़ा डिसीजन लिया था कि ये घर से नए घर में कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, सारी चीज़ नहीं आएगी। ये तो बताने भूल गई, एक चम्मच भी नहीं गई। चम्मच क्या, मैंने चीनी का दाना भी लेके जाने को मना कर दिया। मैंने बोला माँ जब हम घर बना रहे हैं इतना सुंदर, करोड़ों में घर बन रहा है, तो करोड़ों का घर पे पुराना चम्मच तो तुम्हारा जाएगा नहीं। अरे घर में बहुत अच्छी बात यह है कि देखो कोई भी चीज का डिफरेंस आना इज वेरी लॉजिकल, हर एक जगह आएगा ही आएगा। नया जनरेशन अपना पॉइंट रखेगी तो ओल्डर जनरेशन को नहीं मानेगी और नहीं समझ पाएगी,
बट हमारे घर में ये है कि अगर मम्मी और पापा बहुत एडजस्टिंग है, वो सोचते हैं हमारे साइड से, सोचते पहले मना करते हैं लाइक एवरी अदर पेरेंट्स, बट जब हम लोग उनको जस्टिफिकेशन समझाते हैं और बताते हैं तो मान जाते हैं। हमने अपना घर बेचा, हमारी जितनी सेविंग्स थी वो हटा दी और उसके साथ हमने लिया भारी भरकम लोन जो मैं आज तक चुका रही हूँ। ये लोन मेरे ऊपर है, नाम लिया हमने मम्मी के नाम पे। मैं देखो पापा का रूल है, मेरे ससुर जी का रूल है कि वो अपने वाइफ के नाम पे ही सारी प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, सारी चीज़ें लेते हैं, और मैं वो रूल नहीं तोड़ना चाहती थी क्योंकि आज भी इस घर की लक्ष्मी मेरी सासू माँ है। मेरा नंबर अभी तक नहीं आया, मैं बेटी हूँ घर की, लक्ष्मी यही है तो सारी चीज़ें इनके नाम से ही होगी। यहाँ हमारी लेडीज़ की चलती है। अरे भाई पूरा त्यागी खानदान और समाज भी देख रहा होगा क्या लेडीज की चलती है भाई, बट ये तो दुनिया का सच है भाई। वाह क्या चप्पल बनाई उल्टी। आधा घंटा पहले आप मुझे इंजेक्शन लगाए, आद्या को इंजेक्शन लगाए, बहुत रोए हैं, सब रोए हैं, बट ये आपको नहीं पता चला। हम आपको हमारी हैप्पी और अच्छे इंसिडेंट्स बताते हैं, ये चीजें बता रहे जो स्ट्रगल आपकी फैमिली में भी होगा बट उससे हमेशा पॉजिटिव लो। मैंने इस घर के लिए एक इंटीरियर डिजाइनर अपॉइंट किया था वत्सल, जो मेरे पापा जी तो उसके ऊपर इतना गुस्सा होते थे, इतना क्या कर रहा है ये, एक रूम का 2 लाख ले रहा है ये। फिर जब पापा जी मैंने जब हमारे घर के अंदर पापा जी जब एंटर किए, वो तो देखते ही रह गए हमारे नए घर को, बोलते ये तो होटल से ज्यादा सुंदर है। फिर उनको एक्चुअली समझ में आया कि इंटीरियर डिजाइनर क्या होता है और आज वो मुझे करने देते जो मैं करती हूँ। इतना हमने 18 लाख रुपए इंटीरियर पे खर्च किए, ये तो इनको पचा ही नहीं कि 18 लाख। थोड़ा पैसा उठा के फ्लैट ले लेंगे। आप बोलते मुझे बोल रहे कि एक और किश्तों पे फ्लैट उठा लेते उसकी जगह। आद्या पैदा हुई थी 8 जुलाई को और हमारा घर अभी रेडी नहीं हुआ था, हो रहा था, किचन बननी बाकी थी, मेरा पूरा रूम बनना बाकी था, ड्राइंग रूम बनना बाकी था। एंड सो स्वीट ऑफ दिस हॉस्पिटल कि इन्होंने हमें यहाँ रुकने दिया, वी एक्सटेंडेड फॉर ऑलमोस्ट 14 more days। तो हमने सोचा चलो यहाँ से चलते हैं एंड वी शिफ्टेड टू मैरियट होटल सूरत। 5-star होटल में आद्या गई थी एज अ बेबी, उसका पहला कदम वहाँ रखा गया था। अब तो हमारे पास पैसे आने लगे थे थोड़े थोड़े, ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा हमारा कवरिंग होने लगा था, मुझे ब्रांड्स मिलने लगे थे वीडियोस के लिए। और मैंने बोला तुषार बेटी को होटल लेके जाते हैं तो छोटा मोटा नहीं 5-star होटल ही लेके जाएंगे। मम्मी हमारे इस चीज़ के पीछे पड़ गए कि ये घर नहीं बेचना, अब ये घर लकी है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, अब सबसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या ऐसा सच में होता है, क्या ये घर सच में हमारे लिए बहुत लकी है, क्योंकि इसके बाद हमने 2-3 प्रॉपर्टीज और ले ली, अब एक और लेने की सोच रहे हैं, तो मम्मी बोल रही है कि इसको नहीं निकालना है। हम चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी बेच दें और इसकी जगह इससे बड़ी प्रॉपर्टी ले, पर मम्मी की जिद है कि ये घर लकी है या आधे आई है एंड व्हाटएवर। तो मुझे कमेंट में बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। ये मैं चीज़ फिर से फंस गया हूँ माँ और बीवी के बीच में। आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू हाउस, मुझे अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करना है और अच्छा करना है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, आई होप आप लोगों को ये बातें जान के मजा आया हो। नीचे कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट स्टोरी कौन सी बताएं। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ, मेरे बचपन की कहानी कि हम लोग का जब अफेयर चल रहा था और मेरे कितने बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड थे वो वाली कहानी।